तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज, एमसीए कैपराउंड वन की जो प्रोसेस है वो अब खत्म हो चुकी है एंड अभी गाइज हमारा एमसीए का जो कैपराउंड टू है वो स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में गाइज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एमसीए कैपराउंड टू में जो है वो क्या क्या होगा, कौन से डेट को हमें ऑप्शन फॉर्म जो है वो फिल करना है, कब हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज होगा, कितने चांसेस होंगे कि हमें और बेटर जो कॉलेजेस है वो मिल सकता है, क्या कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो सकता है या फिर नहीं, एंड कैसे हमें ये पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स है, ये सब कुछ मैं आपको जो है वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो आज से गाइस मतलब 18 अगस्त से जो कैपराउंड 2 की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। अब इसमें क्या क्या होगा एंड कितना टाइम मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, साथ ही में बेटरमेंट होने के कितने चांसेस रहेंगे वो भी हम देखेंगे। बट इसके पहले गाइस, कैपराउंड 1 का जब रिजल्ट लगा तो काफी सारे कमेंट्स मुझे ये देखने को मिले कि हमें तो कैपराउंड 1 में जो कॉलेज है वो अलॉट ही नहीं हुआ एंड जिनको अलॉट हुआ वो भी ट्राई कर रहे कि और बेटर कॉलेज मुझे जो है वो मिले। तो इसके लिए गाइस आप कैपराउंड 1 के जो कट ऑफ लिस्ट है उसका एनालिसिस जो है वो कर सकते हो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैपराउंड 1 में कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना गया एंड हमारे रैंक के आसपास कौन सा कॉलेज हमें जो है वो देखने को मिल सकता है। तो चांसेस रहते हैं कि कैपराउंड 2 में थोड़ी बहुत जो कट ऑफ है वो कम हो जाए या फिर उसके आसपास रहे, बट थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो आता है, कम ज्यादा जो है वो होता है। तो यहां से भी आपके जो चांसेस है वो बढ़ सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से एनालिसिस करते हो तो आपको और बेटर कॉलेज या फिर अगर आपको कॉलेज नहीं लगा है कैपराउंड 1 में तो 2 में आपको जो है वो लग सकता है अगर आप अच्छे से कॉलेजेस देखते हो तो। इसके अलावा आपकी मदद करने के लिए मैंने यहाँ पे अभी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज की लिस्ट है वो भी बना दी है, ताकि अगर बस आपको पुणे के एमसीए कॉलेजेस देखना हो तो आप ये पुणे के लिस्ट में इजीली देख पाओ कि कितने एमसीए के कॉलेजेस हैं एंड कौन से कॉलेज का कितना जो कट ऑफ है वो जा रहा है। एंड फर्स्ट राउंड में जो अभी लेटेस्ट कट ऑफ है 2024 के, वो वाला जो डेटा है गाइस वो मैंने इस लिस्ट में जो है वो डाल रखा है, ताकि आप इजीली जो है वो क्लोजिंग रैंक देख सको एंड देख पाओ कि आपको जो कॉलेज है वो लग सकता है या फिर नहीं। ऐसे मैंने यहाँ पे पुणे, मुंबई, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक एंड नागपुर सभी की जो लिस्ट है वो बना दी है, ताकि आप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो देख पाओ कि कॉलेजेस कौन से अवेलेबल है। इसके अलावा इस साल कुछ नए एमसीए कॉलेजेस भी आए हैं तो वो कॉलेजेस भी गाइज मैंने इस लिस्ट में जो है वो डाल दिए, ताकि आपको सभी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन मिले एंड पता चले कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपको पूरे महाराष्ट्र के एमसीए कॉलेजेस देखना है तो ये लिस्ट भी आपको इसी पीडीएफ के लिस्ट में जो है वो मिल जाएगी, जिसमें आपको महाराष्ट्र एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये भी पता चलेगा कि महाराष्ट्र में अगर हम करते हैं तो पुणे का वो जो कॉलेज है उसका क्या रैंक है, उसका कितना कट ऑफ है, तो वो भी आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो एंड यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करके अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो और बेटर कर सकते हो, ताकि आपको और एक बेटर कॉलेज जो है वो कैपराउंड 2 में जो है वो लग जाए। तो इन सभी लिंक की लिस्ट के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड देख सकते हो आराम से कि आपको जो कौन सा कॉलेज है वो लग सकता है एंड किसके लगने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन्हें लेके अपना जो एनालिसिस है वो कर सकते हो। अब देखते हैं गाइस कि कैपराउंड 2 के जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो क्या है एंड कब क्या चीज़ें जो है वो होने वाली है। तो अभी देखो गाइस, 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमारा कैपराउंड 2 का एडमिशन कन्फर्मेशन प्रोसेस था। अब 18 तारीख से गाइज हमारा कैपराउंड 2 का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सबसे पहला जो अपडेट है वो आएगा गाइज हमारा डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट्स फॉर कैपराउंड 2। इससे हमें ये पता चलेगा कि कैपराउंड 1 खत्म होने के बाद कौन से कॉलेज में कितनी जो सीट्स है वो अवेलेबल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर कॉलेज में सीट ही नहीं रहती है तो फिर एडमिशन मिलना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, अगर बहुत सारी सीट्स है तो मिलना ईजी होता है। तो ये हमें आज अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा, जब अपडेट आएगा वैसे मैं आपको जो है वो बता दूंगा। फिर गाइज कल से मतलब 19 तारीख से कैपराउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, जहाँ पे आपको अपने लॉगिन में कैपराउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। अगर आपको कैपराउंड 1 के ही सेम कॉलेजेस डालना है वो भी आप डाल सकते हो, अगर आपको चेंजेस करना है कर सकते हो, कॉलेजेस को निकालना है या फिर ऐड करना है, जो करना है प्रेफरेंस चेंज करना है वो सारी जो चीज़ है वो आप कर पाओगे। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए कि कैपराउंड 2 में कैसे फॉर्म भरना है तो मुझे बता देना कमेंट्स में, मैं डिटेल वीडियो जो है वो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। कैपराउंड 2 का जो रिजल्ट है गाइस वो 23 अगस्त को जो है वो रिलीज़ होगा एंड 24 तारीख से लेकर तो 26 तारीख के बीच में आपके लॉगिन में बेटरमेंट एंड फ्रीज के आपको जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कैपराउंड 2 में कॉलेज लगता है फिर से अगर आपको बेटरमेंट करना है तो आप जो है वो कर सकते हो, अगर फ्रीज करके एडमिशन लेना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट प्रेफरेंस का लगेगा तो ऑटो फ्रीज होगा, तो ये ध्यान में रखना, बाकी बेटरमेंट एंड फ्रीज का वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। तो ये गाइस इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कैपराउंड 2। अब जो वैकेंसी वाला अपडेट है वो आज शाम तक या फिर रात तक जो है वो आ जाएगा एंड कल से हमारी जो कैपराउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना बोले गाइस अपना जो कैपराउंड 2 का फॉर्म जो है वो भर देना एंड फिर देखते हैं कि आपको कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट होता है। बाकी कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये जो अपडेटेड लिस्ट है वो आप ले सकते हो, इससे आपको और फायदा होगा एंड इजीली आप जो कॉलेजेस है वो देख पाओगे कि कौन सा आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको जो है इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।